एशिया कप 2022 का फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में हुआ, जिसमें सबसे पहले टॉस जीता पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने और पहले गेंदबाजी करने का लिया फैसला। श्रीलंका टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले श्रीलंका की बल्लेबाजी की। तो भाई श्रीलंका की बल्लेबाजी की शुरुआत उतना अच्छा नहीं हुआ। शुरुआत में दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन और ओपनर बैट्समैन मेट्स बिना खाता खोले आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों निशांका ने इस मैच के अंदर 8 रन बनाए, सिल्वा ने शानदार 28 रन की पारी खेली। उसके बाद गुरु थिलक ने 1 रन बनाए और फिनिश के बाद दोस्तों कप्तान सानका ने इस मैच के अंदर सिर्फ 2 रन बनाए। पांडू असरंगा ने इस मैच के अंदर शानदार 36 रन की पारी खेली। कुरत्ना ने इस मैच के अंदर बनाए 14 रन और इस मैच के अंदर राजपक्षा ने सबसे ज्यादा सिर्फ 45 बॉल पर 71 रन की पारी खेली। इस पारी के दरमियान 6 चौके और 3 लंबे लंबे छक्के भी शामिल थे। तो इस तरह से श्रीलंका की स्कोर हो गया अपने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन। दोस्तों पाकिस्तान से बॉलिंग करते हुए सबसे ज्यादा हारिस रॉप ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए। उसके बाद नदीम शाह ने लिए 1 विकेट, सदाब खान ने लिए 1 विकेट और अहमद ने लिए 1 विकेट। और अब पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 120 बॉल पर 171 रन चाहिए था, जो कि एक फाइटिंग टोटल स्कोर था। तो वही बात करते हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी की। तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी की भी शुरुआत उतना अच्छा नहीं हुआ। शुरुआत में दोस्तों उनके कप्तान बाबर आजम सिर्फ 5 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों फकर जमाल का खाता नहीं खोला और फकर जमाल 0 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान और अहमद के बीच में बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद अहमद इस मैच के अंदर 32 रन बना के आउट हो गए। मोहम्मद रबाज ने इस मैच के अंदर 6 रन बनाए। खुर्शीद शाह ने इस मैच के अंदर सिर्फ 2 रन बनाए। उसके बाद आसिफ अली का खाता नहीं खोला। सदाब खान ने इस मैच के अंदर सिर्फ 8 रन, हारिस रॉफ ने इस मैच के अंदर 13, नदीम शाह ने इस मैच के अंदर 4 रन और हुसैन ने इस मैच के अंदर बनाया 8 रन। और पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा मोहम्मद रिजवान ने 49 बॉल पर 55 रन की पारी खेली। इस पारी के दरमियान 4 चौके और 1 छक्के भी शामिल थे। इस तरह से पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 147 रन की स्कोर पर ऑल आउट हो गई और श्रीलंका की टीम एशिया कप 2022 का फाइनल मैच 23 रन से जीत गया। श्रीलंका और से बॉलिंग करते हुए सबसे ज्यादा मधुसंका ने लिए 4 विकेट, जबकि वांडू असरंगा ने लिए 3 विकेट और कविरत्ना ने लिए 2 विकेट, थिसारा ने लिया 1 विकेट। और ऐसे एशिया कप 2022 का फाइनल मैच पाकिस्तान को श्रीलंका ने 23 रन से हरा दिया और एशिया कप 2022 की ट्रॉफी अपने नाम किया। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में क्रिकेट स्पोर्ट आईपीएल किसी भी चीज से जुड़ी छोटी से बड़ी अपडेट न्यूज सबसे पहले जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। एशिया कप 2022 का फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में हुआ, जिसमें सबसे पहले टॉस जीता पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने और पहले गेंदबाजी करने का लिया फैसला। श्रीलंका टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले श्रीलंका की बल्लेबाजी की। तो भाई श्रीलंका की बल्लेबाजी की शुरुआत उतना अच्छा नहीं हुआ। शुरुआत में दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन और ओपनर बैट्समैन मेट्स बिना खाता खोले आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों निशांका ने इस मैच के अंदर 8 रन बनाए, जबकि सिल्वा ने शानदार 28 रन की पारी खेली। उसके बाद गुरु थिलक ने 1 रन बनाए और फिनिश के बाद दोस्तों कप्तान सानका ने इस मैच के अंदर सिर्फ 2 रन बनाए। पांडू असरंगा ने इस मैच के अंदर शानदार 36 रन की पारी खेली। कुरत्ना ने इस मैच के अंदर बनाए 14 रन और इस मैच के अंदर राजपक्षा ने सबसे ज्यादा सिर्फ 45 बॉल पर 71 रन की पारी खेली। इस पारी के दरमियान 6 चौके और 3 लंबे लंबे छक्के भी शामिल थे। तो इस तरह से श्रीलंका की स्कोर हो गया अपने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन। दोस्तों पाकिस्तान से बॉलिंग करते हुए सबसे ज्यादा हारिस रॉफ ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए। उसके बाद नदीम शाह ने लिए 1 विकेट, सदाब खान ने लिए 1 विकेट और अहमद ने लिए 1 विकेट। और अब पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 120 बॉल पर 171 रन चाहिए था, जो कि एक फाइटिंग टोटल स्कोर था। तो वही बात करते हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी की। तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी की भी शुरुआत उतना अच्छा नहीं हुआ। शुरुआत में दोस्तों उनके कप्तान बाबर आजम सिर्फ 5 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों फकर जमाल का खाता नहीं खोला और फकर जमाल 0 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान और अहमद के बीच में बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद अहमद इस मैच के अंदर 32 रन बना के आउट हो गए। मोहम्मद रबाज ने इस मैच के अंदर 6 रन बनाए। खुर्शीद शाह ने इस मैच के अंदर सिर्फ 2 रन बनाए। उसके बाद आसिफ अली का खाता नहीं खोला। सदाब खान ने इस मैच के अंदर सिर्फ 8 रन, हारिस रॉफ ने इस मैच के अंदर 13, नदीम शाह ने इस मैच के अंदर 4 रन और हुसैन ने इस मैच के अंदर बनाया 8 रन। और पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा मोहम्मद रिजवान ने 49 बॉल पर 55 रन की पारी खेली। इस पारी के दरमियान 4 चौके और 1 छक्के भी शामिल थे। इस तरह से पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 147 रन की स्कोर पर ऑल आउट हो गई और श्रीलंका की टीम एशिया कप 2022 का फाइनल मैच 23 रन से जीत गया। श्रीलंका
ओवर से बॉलिंग करते हुए सबसे ज़्यादा मधुसंका ने लिए 4 विकेट, जबकि वांटू वसरंगा ने लिए 3 विकेट और कविरत्ना ने लिए 2 विकेट, थिसार ने लिया 1 विकेट। और ऐसे एशिया कप 2022 का फाइनल मैच पाकिस्तान को श्रीलंका ने 23 रनों से हरा दिया और एशिया कप 2022 की ट्रॉफी अपने नाम किया। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में क्रिकेट स्पोर्ट आईपीएल किसी भी चीज़ से जुड़ी छोटी से बड़ी अपडेट न्यूज सबसे पहले जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। एशिया कप 2022 का फाइनल मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में हुआ, जिसमें सबसे पहले टॉस जीता पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने और पहले गेंदबाजी करने का लिया फैसला। श्रीलंका टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। तो बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले श्रीलंका की बल्लेबाजी की शुरुआत उतना अच्छा नहीं हुआ। शुरुआत में दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन और ओपनर बैट्समैन मेट्स बिना खाता खोले आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों निशांका ने इस मैच के अंदर 8 रन बनाए, जबकि सिल्वा ने शानदार 28 रन की पारी खेली। उसके बाद गुरु थिलकर ने 1 रन बनाए और फिर उसके बाद दोस्तों कप्तान सानका ने इस मैच के अंदर सिर्फ 2 रन बनाए। पांडू असरंगा ने इस मैच के अंदर शानदार 36 रन की पारी खेली। कवरत्ना ने इस मैच के अंदर बनाए 14 रन और इस मैच के अंदर राजपक्षा ने सबसे ज्यादा सिर्फ 45 बॉल पर 71 रन की पारी खेली। इस पारी के दरमियान 6 चौके और 3 लंबे छक्के भी शामिल थे। तो इस तरह से श्रीलंका की स्कोर हो गया अपने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन। दोस्तों पाकिस्तान से बॉलिंग करते हुए सबसे ज्यादा हारिस रॉप ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए। उसके बाद नदीम शाह ने लिए 1 विकेट, सदाफ खान ने लिए 1 विकेट और अहमद ने लिए 1 विकेट। और अब पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 120 बॉल पर 171 रन चाहिए था, जो कि एक फाइटिंग टोटल स्कोर था। तो वही बात करते हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी की, तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी की भी शुरुआत उतना अच्छा नहीं हुआ। शुरुआत में दोस्तों उनके कप्तान बाबर आजम सिर्फ 5 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों फकर जमाल का खाता नहीं खोला और फकर जमाल 0 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान और अहमद के बीच में बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद अहमद इस मैच के अंदर 32 रन बना के आउट हो गए। मोहम्मद रबाज ने इस मैच के अंदर 6 रन बनाए। खुर्शीद शाह ने इस मैच के अंदर सिर्फ 2 रन बनाए। उसके बाद आसिफ अली का खाता नहीं खोला। सदाफ खान ने इस मैच के अंदर सिर्फ 8 रन, हारिस रॉफ ने इस मैच के अंदर 13, नदीम शाह ने इस मैच के अंदर 4 रन और हुसैन ने इस मैच के अंदर बनाया 8 रन। और पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा मोहम्मद रिजवान ने 49 बॉल पर 55 रन की पारी खेली। इस पारी के दरमियान 4 चौके और 1 छक्के भी शामिल थे। इस तरह से पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 147 रन की स्कोर पर ऑल आउट हो गई और श्रीलंका की टीम एशिया कप 2022 का फाइनल मैच 23 रन से जीत गया। श्रीलंका और से बॉलिंग करते हुए सबसे ज्यादा मधुसंका ने लिए 4 विकेट, जबकि वांटू वसरंगा ने लिए 3 विकेट और कविरत्ना ने लिए 2 विकेट, थिसार ने लिया 1 विकेट। और ऐसे एशिया कप 2022 का फाइनल मैच पाकिस्तान को श्रीलंका ने 23 रनों से हरा दिया और एशिया कप 2022 की ट्रॉफी अपने नाम किया। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में क्रिकेट स्पोर्ट आईपीएल किसी भी चीज़ से जुड़ी छोटी से बड़ी अपडेट न्यूज सबसे पहले जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। एशिया कप 2022 का फाइनल मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में हुआ, जिसमें सबसे पहले टॉस जीता पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने और पहले गेंदबाजी करने का लिया फैसला। श्रीलंका टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। तो बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले श्रीलंका की बल्लेबाजी की शुरुआत उतना अच्छा नहीं हुआ। शुरुआत में दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन और ओपनर बैट्समैन मेट्स बिना खाता खोले आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों निशांका ने इस मैच के अंदर 8 रन बनाए, जबकि सिल्वा ने शानदार 28 रन की पारी खेली। उसके बाद गुरु थिलकर ने 1 रन बनाए और फिर उसके बाद दोस्तों कप्तान सानका ने इस मैच के अंदर सिर्फ 2 रन बनाए। पांडू असरंगा ने इस मैच के अंदर शानदार 36 रन की पारी खेली। कवरत्ना ने इस मैच के अंदर बनाए 14 रन और इस मैच के अंदर राजपक्षा ने सबसे ज्यादा सिर्फ 45 बॉल पर 71 रन की पारी खेली। इस पारी के दरमियान 6 चौके और 3 लंबे छक्के भी शामिल थे। तो इस तरह से श्रीलंका की स्कोर हो गया अपने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन। दोस्तों पाकिस्तान से बॉलिंग करते हुए सबसे ज्यादा हारिस रॉफ ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए। उसके बाद नदीम शाह ने लिए 1 विकेट, सदाफ खान ने लिए 1 विकेट और अहमद ने लिए 1 विकेट। और अब पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 120 बॉल पर 171 रन चाहिए था, जो कि एक फाइटिंग टोटल स्कोर था। तो वही बात करते हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी की, तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी की भी शुरुआत उतना अच्छा नहीं हुआ। शुरुआत में दोस्तों उनके कप्तान बाबर आजम सिर्फ 5 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों फकर जमाल का खाता नहीं खोला और फकर जमाल 0 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान और अहमद के बीच में बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद अहमद इस मैच के अंदर 32 रन बना के आउट हो गए। मोहम्मद रबाज ने इस मैच के अंदर 6 रन बनाए। खुर्शीद शाह ने इस मैच के अंदर सिर्फ 2 रन बनाए। उसके बाद आसिफ
अली का खाता नहीं खोला। शादाब खान ने इस मैच के अंदर सिर्फ 8 रन, हारिस रौफ ने इस मैच के अंदर 13, नदीम शाह ने इस मैच के अंदर 4 रन और हुसैन ने इस मैच के अंदर बनाए 8 रन। और पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा मोहम्मद रिजवान ने 49 बॉल पर 55 रन की पारी खेली। इस पारी के दरमियान 4 चौके और 1 छक्के भी शामिल थे। इस तरह से पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 147 रन की स्कोर पर ऑल आउट हो गई और श्रीलंका की टीम एशिया कप 2022 का फाइनल मैच 23 रन से जीत गया। श्रीलंका ओर से बॉलिंग करते हुए सबसे ज्यादा मधुसंका ने लिए 4 विकेट, जबकि वांटू वसंगा ने लिए 3 विकेट और कविरत्ना ने लिए 2 विकेट, थिसारा ने लिया 1 विकेट। और ऐसे एशिया कप 2022 का फाइनल मैच पाकिस्तान को श्रीलंका ने 23 रनों से हरा दिया और एशिया कप 2022 की ट्रॉफी अपने नाम किया। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में क्रिकेट स्पोर्ट आईपीएल किसी भी चीज़ से जुड़ी छोटी से बड़ी अपडेट न्यूज सबसे पहले जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। एशिया कप 2022 का फाइनल मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में हुआ, जिसमें सबसे पहले टॉस जीता पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने और पहले गेंदबाजी करने का लिया फैसला। श्रीलंका टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले श्रीलंका की बल्लेबाजी की शुरुआत उतना अच्छा नहीं हुआ। शुरुआत में दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन और ओपनर बैट्समैन मेट्स बिना खाता खोले आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों निशांका ने इस मैच के अंदर 8 रन बनाए, सिल्वा ने संतर 28 रन की पारी खेली। उसके बाद गुरु थिलक ने 1 रन बनाए और फिर उसके बाद दोस्तों कप्तान सानका ने इस मैच के अंदर सिर्फ 2 रन बनाए। फांडू असरंगा ने इस मैच के अंदर शानदार 36 रन की पारी खेली। कवरत्ना ने इस मैच के अंदर बनाए 14 रन और इस मैच के अंदर राजपक्ष ने सबसे ज्यादा सिर्फ 45 बॉल पर 71 रन की पारी खेली। इस पारी के दरमियान 6 चौके और 3 लंबे लंबे छक्के भी शामिल थे। तो इस तरह से श्रीलंका की स्कोर हो गया अपने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन। दोस्तों पाकिस्तान ओर से बॉलिंग करते हुए सबसे ज्यादा हारिस रौफ ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए। उसके बाद नदीम शाह ने लिए 1 विकेट, शादाब खान ने लिए 1 विकेट और अहमद ने लिए 1 विकेट। और अब पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 120 बॉल पर 171 रन चाहिए था, जो कि एक फाइटिंग टोटल स्कोर था। तो वही बात करते हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी की। तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी की भी शुरुआत उतना अच्छा नहीं हुआ। शुरुआत में दोस्तों उनके कप्तान बाबर आजम सिर्फ 5 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों फकर जमाल का खाता नहीं खोला और फकर जमाल 16 रन बना के आउट हो गए। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान और अहमद के बीच में बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद अहमद इस मैच के अंदर 32 रन बना के आउट हो गए। मोहम्मद रबाज ने इस मैच के अंदर 6 रन बनाए। खुर्शीद शाह ने इस मैच के अंदर सिर्फ 2 रन बनाए। उसके बाद आसिफ अली का खाता नहीं खोला। शादाब खान ने इस मैच के अंदर सिर्फ 8 रन, हारिस रौफ ने इस मैच के अंदर 13, नदीम शाह ने इस मैच के अंदर 4 रन और हुसैन ने इस मैच के अंदर बनाए 8 रन। और पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा मोहम्मद रिजवान ने 49 बॉल पर 55 रन की पारी खेली। इस पारी के दरमियान 4 चौके और 1 छक्के भी शामिल थे। इस तरह से पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 147 रन की स्कोर पर ऑल आउट हो गई और श्रीलंका की टीम एशिया कप 2022 का फाइनल मैच 23 रन से जीत गया। श्रीलंका ओर से बॉलिंग करते हुए सबसे ज्यादा मधुसंका ने लिए 4 विकेट, जबकि वांटू वसंगा ने लिए 3 विकेट और